देखेंगे कि वहाँ से जिंदगी में क्या इसमें दिक्कतें आ रही हैं, क्या परेशानियाँ आ रही हैं। फिलहाल गाँव में मेरे सामने देखते हैं बुजुर्ग और बच्चे हैं जो गाँव के माध्यम से ही इधर पार कर रहे हैं, उसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। जहाँ पानी लगभग दस्तक दे चुका है, यहाँ छात्रों में थोड़ी सी दहशत व्याप्त है कि अगर पानी बढ़ता है तो वो क्या करेंगे। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर पानी नीचे आता है ना उनके आवागमन के लिए कोई रास्ता बचेगा और ना ही वो भोजन पानी के लिए कहीं जा सकते। ऐसे में उनके पास सिर्फ एक ही चारा होगा कि वो अपने कमरों को छोड़ें और वापस अपने घरों के लिए। पिछले कई सालों से यहाँ पर रह रहे हमने कई छात्रों से बातचीत की तो पता चला कि हर बार बाढ़ की स्थिति तो ऐसी ही आती है और जब समस्या बढ़ती है तो अपने घरों की ओर रवाना हो जाते हैं। कई बच्चों के माता पिता का भी लगातार फोन आ रहा है और वो परेशान हैं कि बच्चे किस स्थिति में हैं और वहाँ पर क्या स्थिति है, उसका पल पल का जायजा ले रहे हैं। कई बच्चे तो अपने घर की एक एक इंच में पानी कितना बढ़ रहा है इसकी भी जानकारी दे रहे हैं। और अगर ऐसी ही बनी तो और भी 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 है। लेकिन बच्चों के सामने और दूसरा कोई विकल्प मौजूद नहीं है। मैं दैनिक जागरण के लिए इस वक्त मैं खड़ा हूँ छोटा बघाड़ा क्षेत्र में और मेरे पीछे जो बच्चे दिख रहे होंगे ये सारे वनडे एग्जाम की तैयारी से जुड़े हुए छात्र हैं। पूरा जो इलाका मेरे पीछे, पहले तो मैं आपको स्थिति दिखा देता हूँ। ये गंगा का वह उत्प्लवन क्षेत्र है जहाँ इसमें पानी भर चुका है और हर तरफ आपको पानी नजर आएगा। ये जो बिल्डिंगें हैं पानी से घिर चुकी हैं और अब यहाँ पर जो रहने वाले छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि वो क्या करें। अगर पानी बढ़ता है तो उनका यहाँ पर रुकना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि इन सब परेशानियों के बीच में पढ़ाई तो नहीं हो सकती। लगातार उनके घर से फोन आ रहे हैं, माता पिता उनका हालचाल जानना चाहते हैं कि बच्चे कैसे हैं। आइए इन छात्रों से जानते हैं कि बाढ़ का पानी कब आया और इस बाढ़ के पानी से उन्हें क्या परेशानियाँ हो रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, आप अपना नाम बताइए। ये कृष्णा का। कृष्णा जी ये बताइए ये पानी कब आया है और क्या परेशानी हो रही है। पानी तो आया था 4 दिन हो गया पहले। इस पानी से दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है? दिक्कत यही मकान डूब जाएगा, पानी आएगा सब डूब जाएगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंदन चौहान है।
चंदन जी, ये पानी हर साल आता है, तो इस बार आया है, तो इस बार क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है? पहला लहर के साथ है। अच्छा, रात में जब आप लोग सोते हैं तो क्या सोच के सोते हैं? ये सोचते हैं कि सोने के बाद पानी नीचे ना आ जाए। अच्छा अच्छा, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम राजेंद्र जी है। अच्छा, घर से क्या आप लोगों के फोन आ रहे हैं कि ज्यादा परिजन परेशान हैं, क्या स्थिति है घर पर? जी जी, घर पे कुछ समस्याएं सुनाई दी सुनी जा रही हैं कि रूम के आस पास पानी आ चुका है, तो लोग घर वाले बोलते हैं कि रूम छोड़ दीजिए, फिर अगर रूम छोड़ के अगर हम घर चले भी जाते हैं तो वहाँ पढ़ाई नहीं हो पाती है, और अस्थिरता बनी है निरंतर, जैसे पानी बढ़ रहा है मन में विचार कर हुआ है, जैसे पानी धीरे बढ़ रहा है। अच्छा, एक स्टूडेंट अपने पूरे कमरे में बना के रखता है, गृहस्थी बना के रखता है, तो तुम्हें जो आप लोगों की गृहस्थी है वो कैसी स्थिति में है, कैसे उसको आप लोगों ने संजोया हुआ है? देखिए, सब लोग, कुछ लोग तो चले गए हैं यहाँ से, लेकिन जो लोग बचे हैं वो अपना समेटने की कोशिश कर रहे हैं, भाई अगर पानी बढ़ेगा तो अपना व्यवस्था बना के कहीं एक जगह रूम कोई छत पे, मतलब सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पर रखेंगे, तीन चार लोग मिल के एक रूम लेंगे, उसमें सब लोग रखेंगे। अच्छा, तो क्या कुछ बच्चे पलायन भी कर गए, घर वापस चले गए? हाँ हाँ, नीचे वाले जैसे बगल वाले हैं चले गए हैं, आएगा ठीक है, नहीं आएगा। तो ये थे प्रयागराज में रह रहे अलग अलग जिलों के आए हुए छात्र, जिनका कहना है कि अगर बाढ़ का पानी बढ़ता है तो निश्चित तौर पर उन्हें अपना घर यानी अपना ये कमरा छोड़कर जाना पड़ेगा, इनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। कई साल बाद 2019 में आई जीडी की वैकेंसी जो रेलवे की थी, ग्रुप डी की, उसकी इस समय तैयारी भी कुछ लोग कर रहे थे। बच्चे वैसे ही पहले से ही परेशान हैं क्योंकि वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, जो आ रही क्लियर नहीं हो रही, ऐसे में बाढ़ उनकी तैयारियों के लिए एक और मुसीबत बन गई है। कुछ और इलाकों में चलते हैं, देखते हैं कि प्रयागराज में बाढ़ की स्थिति क्या है और छात्रों के जीवन पर प्रभाव कैसा पड़ रहा है।